हेलो एवरीवन, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आपके साथ हेल्दी और हाई प्रोटीन रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ, बट आप में से कुछ लोग बोलते हो कि हमें तो पराठे खाए बिना मजा नहीं आता, ब्रेकफास्ट में हमें पराठे ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ हेल्दी और प्रोटीन रिच पराठे की रेसिपी शेयर करूँ। यस, इट इज ट्रू, आप हर रोज पराठे खाकर भी फिट रह सकते हो। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं इस तरह के 7 अलग अलग वेरी डिफरेंट यूनिक पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि डिलीशियस तो है ही और साथ में प्रोटीन रिच भी है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तब भी आप इन पराठे को खा सकते हो, बट ऑफ कोर्स पोर्शन कंट्रोल्ड वे में। हम IMBAO के वेट लॉस प्रोग्राम्स में भी इन पराठों को सजेस्ट करते हैं। पीपल ईट ऑल दीज थिंग्स एंड स्टिल आर एबल टू लूज वेट। अगर आप भी इस प्रोग्राम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो इसमें एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के पराठे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक जेंटल रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज गो अहेड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you never miss a video. So let's start with the first parantha recipe, soya keema parantha. तो चलिए सबसे पहले हम परांठे के लिए डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैं होल व्हीट फ्लावर यूज कर रही हूं, आप चाहो तो मल्टीग्रेन आटा भी यूज कर सकते हो। सो आई एम टेकिंग फ्यू स्कूप्स ऑफ होल व्हीट फ्लावर। अभी मैं आपके साथ आटा सही तरह से गूंदने की कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके पराठा सॉफ्ट येट फ्लेकी बन सकते हैं। सो प्लीज वॉच इट केयरफुली। ओके, सो आटा लेने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। नाउ एडिंग अराउंड 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट। इससे आपका पराठा इवनली सॉल्टी रहता है। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी मिक्स सॉल्ट एंड घी। ये हल्का सा लूक वार्म वाटर है, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं है, बट जस्ट स्लाइटली वार्म। ओके, सो धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। यू डोंट वॉन्ट योर डो टू टाइट और टू लूज, सो बी वेरी केयरफुल। सो कुछ लोगों को रोटी बनानी आती है, पराठा बनाना आता है, बट आई नो दैट यू फेस चैलेंजेस इन मेकिंग द डो। ये प्रोसेस बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। सो इसकी टेक्निक यही है कि आप धीरे धीरे पानी ऐड करो, और एकदम से खूब सारा पानी डालोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो आटा जब पूरी तरह गुन जाए तो उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ जो मैंने अपनी मम्मा से सीखी है, उससे ये काफी सॉफ्ट हो जाता है। हल्का सा इसके ऊपर पानी स्प्रेड करके और इसको इस तरह से नीड करना है। इसमें थोड़ी एनर्जी लगती है, थोड़ा वर्कआउट हो जाता है साथ में, बट आपका पराठा बहुत सॉफ्ट बनेगा इससे। ओके, सो आवर डो इज रेडी, और अब हम इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे। सेम डो को मैं 2-3 और पराठा के लिए भी यूज करने वाली हूँ, बट सबसे पहले वी आर मेकिंग सोया कीमा पराठा। सो लेट द डो रेस्ट फॉर अ वाइल, एंड गाइस तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए आपको सोया ग्रैनुल्स चाहिए और साथ में 2-3 इंग्रेडिएंट्स और चाहिए। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो अब ये सोया की स्टफिंग रेडी हो गई है, और अब हम इसका पराठा बनाते हैं। थोड़ा सा आटा लेंगे और इसके अंदर ऐसे एक स्पेस क्रिएट करेंगे। अब इसके बीच में सोया की स्टफिंग ऐड करेंगे। इफ यू वांट तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा प्याज भी ऐड कर सकते हो। प्याज को हम जब सोया का मिक्सचर रेडी कर रहे थे फ्लेम के ऊपर, उस स्टेप पे भी ऐड कर सकते हो, बट इफ यू लाइक रॉ अनियन लाइक मी देन यू कैन ऐड इट दिस स्टेज आल्सो। और बस अब हमने इसको पैक कर देना है लाइक दिस। थोड़ा सा हाथों की हेल्प से ही पाम्स से इसको पहले फ्लैट करेंगे, और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के अब हमने इसको फ्लैट करना है। अब क्योंकि हमने सोया ग्रैनुल्स को अच्छे से कुक किया था, इसलिए उसके अंदर का सारा मॉइस्चर सूख गया है, ये मिक्सचर पूरी तरह ड्राई है, विच इज वाई हमारा पराठा गीला नहीं हो रहा, फट नहीं रहा है, बहुत ही इजीली बिल रहा है। ओके, तो अब हम इसको तवे पे रोस्ट करते हैं। सो गरम तवे पे हम थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे और ये सोया चंक्स का पराठा इसके ऊपर। गाइस, अगर आप चाहो तो इन पराठों को बिना घी के यूज़ करे भी प्लेन सेक सकते हो चाहो तो, बट मैं हर स्टेप पे बहुत थोड़ा थोड़ा घी यूज़ करने वाली हूँ। मैं घी में पराठा सेकूंगी, बट आई विल जस्ट यूज़ फ्यू ड्रॉप्स जस्ट लाइक दिस, सो दैट वो अच्छे से सिक जाए, पक जाए। बट इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड एनी एडिशनल घी और ऑयल, प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। कुछ लोगों को पराठा बनने के बाद ऊपर से घी या बटर ऐड करना अच्छा लगता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो।
Okay, with this your soya chunks paratha, soya keema paratha is ready. ओके सो आपने मेथी का पराठा बहुत खाया होगा, शायद आपने मटर का पराठा भी खाया हो, बट हैव यू एवर ट्राइड मेथी एंड मटर पराठा? बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. सो मेथी और मटर का पराठा मिलके बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं. इसके लिए पहले हम इसका डो रेडी करेंगे, जिसके लिए अगेन आई एम टेकिंग होल व्हीट फ्लावर. ओके, और अब इसके अंदर मैं मेथी, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके फाइनली चॉप करके रखा है, सो ये मेथी इसके अंदर डलेगी. और थोड़ा सा इसमें घी ऐड करेंगे. मटर हम इसके अंदर ऐड नहीं करने वाले, मटर को हम नेक्स्ट स्टेप में, अभी देखते हैं कि मटर को कैसे रेडी करना है, बिकॉज मटर विल बी द फिलिंग. सॉल्ट, अजवाइन एंड दैट्स इट. अब हमने इसको गूंदना है, सो मैं इसको बस मिक्स करके देख रही हूँ, अगर मेथी और ऐड करने का स्कोप है तो इवन बेटर. ऑलराइट, अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और साथ में इसका डो रेडी करेंगे. सो ये रहा हमारा हेल्दी डो. और अब हम इसकी स्टफिंग के लिए मटर का मिक्सचर रेडी करते हैं, जिसके लिए आप पहले फ्रेश ताज़ा छिले हुए मटर लीजिए और आइए बनाते हैं. भी रेडी है और मटर की स्टफिंग भी रेडी है. नाउ वी जस्ट नीड टू फिल इन द स्टफिंग एंड मेक दिस पराठा. थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, क्योंकि मेथी की वजह से हमारा आटा ये काफी सॉफ्ट हो गया है, इसलिए आपको इसको बहुत बहुत ही आराम से बेलना होगा. और इसके बीच में हम मटर को स्टफ करेंगे. आटे के अंदर भी सॉल्ट है और मटर की स्टफिंग के अंदर भी सॉल्ट है, सो आपको और कुछ भी इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है. जेंटली क्लोज करेंगे, थोड़ा सा पाम से इसको प्रेस करके फ्लैट करेंगे. ये पराठा बेलने में ही इतना सॉफ्ट है, टच करने में ही इतना टेंडर है, कि आई एम श्योर बनने के बाद भी ये उतना ही सॉफ्ट रहने वाला है. ऑलराइट, तो अब इसको रोस्ट करते हैं. सो ये रहा मेथी और मटर का पराठा, बहुत ही जेंटली तवे पे रखेंगे. ये रहा हमारा मेथी और मटर का पराठा, जो दही के साथ बहुत अमेजिंग लगता है. गाइज, नेक्स्ट हम बना रहे हैं बीटरूट एंड पनीर पराठा. ये आपके रेगुलर पनीर पराठा से काफ़ी डिफरेंट दिखता भी है और काफ़ी डिफरेंट टेस्ट भी होता है. बीटरूट की वजह से ये एक रेड कलर का पराठा बनता है और इसके अंदर ज़्यादा मिनरल्स और फाइबर भी ऐड हो जाता है, और पनीर की वजह से तो डेफिनेटली प्रोटीन भी ऐड हो गया. सो लेट्स गो अहेड एंड मेक बीटरूट एंड पनीर पराठा. पहले हम इसका डो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं होल व्हीट फ्लावर ले रही हूँ. ओके, नेक्स्ट आई एम एडिंग सम ग्रेटेड बीटरूट. आप बीटरूट को प्योरी फॉर्म में भी ऐड कर सकते हो या फिर इस तरह से ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हो. ऑलराइट, अब इसमें थोड़ा सा नमक, अजवाइन, थोड़ा सा घी. सो डो में घी ऐड करने से पराठा फ्लेकी भी हो जाता है एंड सॉफ्ट भी बनता है. और अब हम इसके अंदर थोड़े से व्हाइट सेसमे सीड्स ऐड करेंगे.
सो बेसिकली ये पराठा कम चीला टाइप लगता है बिकॉज बीटरूट चीला होता है, पनीर चीला होता है जिसमें हम ऊपर से इसमें सीड्स लगाते हैं. तो सिमिलरली पराठा बना रहे हैं आज, बट सेम चीला वाले इंग्रेडिएंट्स और स्टाइल यूज कर रहे हैं. अब आप इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और अब पानी की हेल्प से गूंथते हैं. मैं देखना कैसे रेड कलर का डो रेडी होगा. ओके, सो ये बीटरूट का डो तैयार हो गया है. अब हम पनीर की स्टफिंग रेडी करते हैं, जिसके लिए आपको ग्रेटेड पनीर लेना है. एड इट टू अ मिक्सिंग बोल. नाउ एड चॉप्ड अनियन, ऑलराइट, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, ओके, चॉप्ड कोरिएंडर, और ये है कसूरी मेथी. पनीर की किसी भी डिश में कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है. सो फील फ्री टू एड इट. एंड सम स्पाइसेस, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, भुना जीरा मसाला. इसके अलावा आप और भी अपनी मर्जी का, आपको जो मसाला पसंद है, धनिया पाउडर, गरम मसाला, दिस मसाला, दैट मसाला, फील फ्री टू एड. नाउ वी जस्ट नीड टू मिक्स इट वेल एंड विद दिस आवर पनीर स्टफिंग इज आल्सो रेडी. इजी पीजी. ओके, चलिए अब पराठा बनाते हैं. सो गाइस, लेट्स फिल इन द स्टफिंग एंड मेक द पराठा. नाउ अगर आप पराठे को डायरेक्टली रोल करने के बाद सीधा अगर उसको बेलोगे नहीं, पहले हाथ से हल्का सा प्रेस करोगे, तो आपका पराठा कभी भी फटेगा नहीं. और गाइस, ये एक ही पराठा इतना ज्यादा फिलिंग और इतना हैवी हो जाता है कि आपको दूसरा पराठा खाने की बिल्कुल नीड ही नहीं पड़ेगी. नाउ लेट्स गो अहेड एंड रोस्ट द पराठा. तवे को गरम करके थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे और गरम गरम तवे पे पराठा. क्योंकि ये पराठा रेड कलर का है, इसलिए हमें इसके कुक होने का या सिकने का पता नहीं चलता, कलर का हमें आइडिया नहीं लग पाता. बट अगर आप केयरफुली देखोगे तो ये गोल्डन कलर का हो चुका है, विच मीन्स ये इस साइड से पक चुका है और यहाँ से भी पक चुका है. योर बीटरूट एंड पनीर पराठा इज रेडी टू बी सर्व. ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं चिकपी, यानी कि छोले का पराठा. जैसा आप लोगों को पता है कि छोले वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी है. इट्स ऑल्सो पैक्ड विद अदर मिनरल्स, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स एंड फाइबर एज वेल. इसीलिए ये पराठा एक बहुत ही अच्छी रेसिपी भी है. आप चाहे तो छोले की जगह पे राजमा भी यूज कर सकते हो और आप राजमा पराठा भी बना सकते हो. सो इसके लिए मैंने ये छोले को ओवरनाइट सोक करके बॉइल करा है, विच इज वाई इट इज नाउ प्रॉपरली कुक्ड. और अब मैं एक बोल के अंदर, एक मिक्सिंग बोल के अंदर इन सोक्ड एंड बॉइल्ड छोले को ऐड कर रही हूँ. ओके, और अब कुछ और इंग्रेडिएंट्स. इसके बाद फाइनली चॉप्ड अनियंस, और अब चॉप्ड ग्रीन चिलीज, देन कोरिएंडर, और अब आप इसके अंदर फ्रेशली चॉप्ड या फिर ग्रेटेड जिंजर एंड गार्लिक डाल सकते हो. मैंने ये फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखा है जिसे मैं यूज कर रही हूँ. सो आई एम एडिंग 1 फुल स्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट. इसके बाद कुछ मसाले ऐड करने हैं. सो मसाले में सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि नमक हमने अपने आटे में भी डाला हुआ है, सो इसलिए आप इसके अंदर हल्का सा सॉल्ट ही ऐड करें. लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद जीरा पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, एंड फाइनली ये एक मसाला जो मैं इसमें डाल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको स्किप मत करो. ये है चना मसाला, मतलब कि छोले मसाला, जो मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स का अवेलेबल हो जाता है. इससे ये पराठे में बहुत ही ऑथेंटिक छोले वाला टेस्ट भी आता है, बहुत यम्मी लगता है इससे पराठा. सो आप कोई भी अपने पसंद के ब्रांड का छोले मसाला लेके इसके अंदर ऐड कर सकते हो. दिस इज अमृतसरी छोले मसाला एंड हेयर इट गोज. सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे इस बोल के अंदर आ चुके हैं. अब हमने इसको थोड़ा सा कोर्सली रफली मैश करना है, इसका पेस्ट रेडी करना है, क्योंकि आपके छोले बॉइल्ड हैं तो ये इजीली मैश हो जाएगा. अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के भी मैश कर सकते हो. एंड गाइज, यू नो व्हाट, छोले पराठा इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ आलू पराठा. सो अगर आप आलू पराठे से बोर हो चुके हो, या फिर अगर आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस कार्ब पराठा लेना है, तो आप छोले पराठा भी ट्राई कर सकते हो. द टेक्सचर कम्स आउट टू बी रियली सिमिलर, बट द टेस्ट इज डिफरेंट एंड इट्स इवन बेटर. ट्रस्ट मी, इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही है दैट आई जस्ट कांट वेट कि ये पराठा कब बन के रेडी होगा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स राइट नाउ. स्टफिंग एंड मिक्सचर इज रेडी. और चलिए अब इसका पराठा बनाते हैं. आटे की एक बॉल बनाएंगे फिर से और इस तरह से इसको शेप देंगे. राइट, अब ये थोड़े से हम छोले लेंगे, इसको भी राउंड इस तरह से बॉल की शेप में, और आटे के अंदर फिल करेंगे. नाउ लेट्स रैप इट, क्लोज द पॉकेट, प्रेस इट, थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और अब इसको फ्लैट करें. और गाइस, अगर आपके घर में बाय चांस इलेक्ट्रिक तंदूर है, फिर तो आप ये पराठे को और भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बिकॉज इसके अंदर जब वो तंदूरी फ्लेवर ऐड होगा, जब इसके अंदर टेक्स्चर और फ्लेवर आएगा, तो ये और भी कमाल लगेगा. बट सिंस आई डोंट हैव अ तंदूर एट माई होम, आई एम गोइंग टू मेक इट ऑन लाइक अ रेगुलर पराठा ओनली तवा के ऊपर. अब चलिए इसे सेक लेते हैं. स्प्रेड सम ऑयल एंड
जेंटली फ्लिप द पराठा। इसी के साथ ये छोले पराठा भी रेडी है। एंजॉय दिस छोले पराठा विद बटर, चटनी, अचार, जो भी कॉन्डिमेंट आपको पसंद है उसके साथ एंजॉय कीजिए। खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड प्रोटीन रिच भी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पराठा इज अ मुगलई स्पेशल डिश। इसको वैसे बहुत अलग अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है, बट हम इसको मुगलई स्टाइल में बनाएंगे, बट साथ में हम अपना एक फ्लेवर और ट्विस्ट इसमें ऐड करेंगे। तो मैं बना रही हूँ अंडा पराठा। अगर आप लोग अंडा नहीं खाते तो आप इसको पनीर से रिप्लेस कर सकते हो। सो पिरी पिरी अंडा पराठा की जगह पे आप पिरी पिरी पनीर पराठा बना सकते हो। आई रिमेम्बर मैंने अपनी एक रेसिपी वीडियो में पिरी पिरी पनीर रैप की रेसिपी शेयर की थी, जो लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो वहीं से इंस्पायर होकर मैं ये पिरी पिरी अंडा पराठा बना रही हूँ, विच आई एम श्योर यू वुड लव। तो इसके लिए पहले ये दो एग्स को हम बीट कर लेंगे। अब आप इसके अंदर बारीक कटा हुआ अनियन ऐड कीजिए, हरी मिर्च, धनिया, थोड़ा सा सॉल्ट और पिरी पिरी मसाला। सो गाइस, ये पिरी पिरी मसाला घर पे भी बन जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यूज़ करके आप घर पे पिरी पिरी मसाला रेडी कर सकते हो, और अदरवाइज ये रेडीमेड मार्केट में पिरी पिरी मसाला के नाम से भी मिल जाता है। तो आप चाहो तो इसको मार्केट से खरीद सकते हो या फिर घर पे बना सकते हो। ओके, नाउ बीट द एग्स। नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि ये जो स्टफिंग हम रेडी कर रहे हैं एग की, इसको हम पराठे के अंदर कैसे डालने वाले हैं, उसे कैसे फोल्ड करने वाले हैं और कैसे बनाने वाले हैं, you wait and watch. Okay, so with this our piri piri egg stuffing is ready. अब हम इसका पराठा बनाते हैं। तो इसे मैंने थोड़ा सा ऐसे लंबाई में बनाया बिकॉज मुझे इसका स्क्वायर पराठा बनाना है। और इसके लिए पहले मैं इसके अंदर घी लगाऊंगी। साइड्स में घी अच्छे से लगाइए। अभी यू विल गेट टू नो द रीजन कि क्यों हमें साइड्स में घी लगाना इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स फोल्ड इट। अब एक बार हम फिर से साइड में घी लगाएंगे। ओके, फोल्ड इट वंस अगेन और अब इसे वापस बेलेंगे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के। आप ट्राइंगल या फिर स्क्वायर शेप में ये पराठा बना सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, तवे पे चलते हैं। हीट द पैन एंड ऐड सम घी, जेंटली प्लेस द पराठा। इस पराठे को हम एकदम सिम पे पकाएंगे, हमने इसको मीडियम या फुल पे नहीं करना है। मेक श्योर दैट द गैस इज ऑन लो फ्लेम। अब दूसरी साइड टर्न करने के बाद हम एक नाइफ लेंगे और नाइफ से हम इस पराठे को स्लिट करेंगे। ये जहाँ से आपको लच्छा दिखे वहाँ से आप इसको ओपन करोगे। स्लिट को वेरी केयरफुली जस्ट ओपन एंड क्रिएट अ पॉकेट इन दिस पराठा। मेक श्योर दैट द पॉकेट गोज टिल द एंड लाइक दिस। तो ये एक पॉकेट आपने बनानी है और अब हम अपने एग के मिक्स को इस पॉकेट के अंदर डालेंगे। एक एनवेलप सा बन गया है हमारे इस पराठे का और अब इस एनवेलप को हमें फिल करना है। इस साइड भी थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो इट्स लाइक एन ऑमलेट इनसाइड द पराठा। अब जैसे ही अंदर ऑमलेट कुक होगा, एग कुक होगा, ये पराठा फूलने लगेगा। हेजार एग पराठा। सो अगर कभी ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट खाने का मन ना करे तो आप ऑमलेट पराठा, एग पराठा, अंडा पराठा ट्राई कर सकते हो। ओके, अब जो नेक्स्ट पराठा हम बनाने जा रहे हैं, काफी उम्मीद है कि आपने इसके बारे में भी नहीं सुना होगा एंड ऑनेस्टली मैंने भी इसको रिसेंटली ही डिस्कवर किया है, वो है सत्तू पराठा। सत्तू शायद आपने शरबत यानी कि ड्रिंक के फॉर्म में लिया होगा, बट आज हम इसको पराठा बनाएंगे। और ये है चना सत्तू यानी कि चना का फ्लार। सो एक बोल के अंदर आप चना फ्लार ऐड कीजिए और इसके अंदर मैं साथ में थोड़ा सा ग्रेटेड मैश्ड पनीर ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जो यहाँ पे पोटेटो भी ले सकते हो, बॉइल्ड मैश्ड पोटेटो, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, टेंडर पराठा बनता है। देन चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिलीज, धनिया, कसूरी मेथी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मस्ट नहीं है बट अगर आपके पास हैं तो ये सब आप डाल के बनाइए। पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस बनेगा। बट अगर इसमें कोई एक आधा इंग्रेडिएंट कम या ज़्यादा भी होता है, हार्डली मैटर्स। अजवाइन, देन ये बाकी के मसाले, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देते हैं, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा काफ़ी। और एक बहुत ही कमाल की चीज़ इसमें फ्लेवर देने के लिए, सो सत्तू
का इटसेल्फ कुछ टेस्ट नहीं होता, ये ब्लैंड होता है, तो हम चाहते हैं इसके अंदर थोड़ा सा कुछ एक फ्लेवर आना चाहिए। तो उस फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर पिकल का मसाला ऐड कर रही हूँ। सो ये थोड़ा सा नींबू का अचार का मसाला लेके मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये अचारी सत्तू पराठा का मिक्सचर जो है वो रेडी हो रहा है, इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। बिकॉज ये अभी काफी ड्राई है, सूखा सूखा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। सो अपने आप में सत्तू एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इनफैक्ट आपको ये समर्स में वैसे ही लेना चाहिए, तो समर्स के लिए ये पराठा और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। ड्रिंक की फॉर्म में तो इसको लेते ही आप सत्तू ड्रिंक, सत्तू का शरबत, बट अगली बार आप इसको पराठे में ट्राई करने वाले हो। एक्चुअली लेट्स यूज आवर हैंड्स। सो अब हो गई हमारी ये स्टफिंग रेडी। लुक एट दिस, सत्तू की स्टफिंग सेट है, पराठा बनाते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मेक द सत्तू पराठा। कभी भी परांठे पे सूखा आटा बहुत ज्यादा मत लगाइए, जस्ट स्लाइटली डस्ट इट, नहीं तो खाने में वो बहुत ड्राई लगता है और सूखा आटा तवे के ऊपर जलता भी है, तो वो ना उसका टेक्सचर अच्छा आता है ना उसका टेस्ट अच्छा आता है। सो जितना रिक्वायर्ड है जस्ट अ लिटिल सूखा आटा यूज ओनली, एंड हियर वी गो। चलिए फिर सेकेंड से गर्म तवे पे थोड़ा सा घी लगाएंगे पहले, और इसके बाद ये सत्तू का परांठा। तो गाइस इसी के साथ हमारा सत्तू का पराठा रेडी है। इसे आप अचार के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, एंड हैव इट गर्मा गर्म। तो गाइस नेक्स्ट पराठा हम बना रहे हैं दाल पराठा, जिसे बनाने के लिए आप कल रात की बची हुई लेफ्ट ओवर दाल भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप लेफ्ट ओवर दाल ही यूज करो, क्योंकि उसका पराठा ज्यादा अच्छा बनता है। अभी सिंस मेरे पास इस रेसिपी के लिए लेफ्ट ओवर दाल नहीं थी, तो मैंने ये फ्रेश दाल को बॉइल किया है। आई यूज छोटी येलो दाल, और उसको मैंने सिर्फ दो बिसल्स दिलवाए हैं, हल्का सा सॉल्ट एंड हल्दी डाल के, तो मैं ये दाल यूज कर रही हूँ। बट सजेस्टेड ये है कि इसके लिए आप लेफ्ट ओवर दाल यूज करो। तो जिस भी रात आपकी दाल बच जाए, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग यू नो व्हाट यू हैव टू मेक। और अब मैं ले रही हूँ होल व्हीट फ्लार, अराउंड 1 to 1.5 cup होल व्हीट फ्लार। अब इसके अंदर हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले मैं ये दाल ऐड करूंगी इसमें, और इसके बाद चॉप्ड अनियन, देन कोरिएंडर, हरी मिर्च। ये सभी चीजें आपने दाल को कुक करते वक्त तड़के में भी डाली होती है, बट ऊपर से रॉ ऐड करने का टेस्ट अलग आता है। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, और इसके बाद सभी स्पाइसेस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक। अब क्योंकि मेरी ये फ्रेशली कुक्ड दाल है, तो इसके अंदर जिंजर गार्लिक नहीं है, इसलिए मैं इसमें जिंजर गार्लिक भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपने दाल बनाते वक्त उसके अंदर अदरक लहसुन डाला था, तो यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हो, एंड दैट्स इट। सो अब हमने इसका डो रेडी करना है, बट यू डोंट हैव टू ऐड वाटर इन दिस, क्योंकि ऑलरेडी ये दाल जो है वो उसको मॉइस्चर दे देगी, इसलिए हमें इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बहुत ही हल्के हाथों से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और दाल वाला आटा रेडी करेंगे। इसके अंदर आप चाहे तो गरम मसाला और अमचूर ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, बट इसके अंदर कच्चा प्याज और हरी मिर्च धनिया ये ज़रूर ऐड करो, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मुझे लग रहा है मुझे इसमें थोड़े से पानी का ड्रॉप्स ऐड करने होंगे, क्योंकि आटा थोड़ा सा ज़्यादा है, सो जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। बट अगर आपकी दाल में ग्रेवी है, मतलब तरी है, जैसे मेरी दाल सूखी हुई थी, बट अगर आपकी दाल में साथ में ग्रेवी है, तो आपको बिल्कुल भी पानी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप दाल को भी थोड़ा सा केयरफुली देख देख के डालिए, अदरवाइज आटा ज़्यादा मॉइस्ट हो सकता है। ओके, सो इसी के साथ हमारा दाल पराठे का डो रेडी है। तो इस दाल वाले डो को 5 मिनट रेस्ट करवाने के बाद अब हम इसका पराठा बनाते हैं। टेक अ स्मॉल पोर्शन आउट ऑफ इट, थोड़ा सा बेलने के बाद इसमें हल्का सा घी ऐड करेंगे, घी को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इसको रोल करेंगे। तो इस तरह रोल करने से पराठा फ्लेकी भी बनेगा, मतलब लच्छेदार पराठा। आप देख रहे हो इसमें कितने सारे हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स यू कैन सी ऑल ऑफ देम, और जब आप इसको बनने के बाद खाओगे, तो आप हर इंग्रेडिएंट को के स्वाद को भी टेस्ट को भी इंजॉय करोगे। ऑलराइट, ओके, सो नाउ लेट्स रोस्ट द पराठा, एंड हियर इट गोस। हल्का सा घी, दिस दाल पराठा इज रेडी। इसे आप कर्ड के साथ ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज ये थे 7 अलग अलग तरह के यूनिक एंड प्रोटीन रिच पराठे। वैसे तो आई एम श्योर कि आपको सारे ही पसंद आए होंगे, बट स्टिल इनमें से बेस्ट कौन सा लगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मुझे आपके चॉइस और आपके टेस्ट के बारे में पता चल सके, और आगे से मैं उसी तरह की रेसिपीज आपके लिए ला सकूं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन फिट रहो, हिट रहो, आई लव यू।